सिखा रही है वो है अक्षत का। सो ये रहा कासल का ओवरव्यू। वुड से बनाई गई है जिसको गोल्ड लीफ में कवर्ड किया गया है। विजिटर सेंटर में गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि हम अभी कार्डिफ में हैं, सो हम आए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो त्रिशिका ने खाना स्टार्ट कर दिया, इसके लिए पहले हाई चेयर लाए थे बट उसे नहीं बैठना था इसमें। सो खा रही है वो है अक्षत का, मेरा, हमने बहुत सारा खाना ले लिया है बट हमने सोचा टेस्ट करते हैं, पता नहीं क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा। एंड त्रिशिका के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन लाए हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं और आपको अपडेट्स देते हैं बिकॉज हमें खा के फिर निकलना है जल्दी से। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, सुबह का नाश्ता कर लिया था, अब जा रहे हैं विंसर कासल। बारिश हो रही है हल्की हल्की, ये दोनों ऐसे हाल में हैं। और वो पीछे था अपना होटल और इसके ऑपोजिट है ये विंसर कासल। चलते हैं देखते हैं, इसके टिकट सबने कल ही ले लिए थे, अभी जाते हैं देखते हैं। सो ये रही कासल की एंट्री और यहीं पे आपको पता ही होगा कल रात हम लोग यहीं पे अंदर गए थे खाना वाना खाने के लिए रात को, तो सेम स्ट्रीट है। सो ये रहा कासल का ओवरव्यू। अभी हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम ऑल दो सारे तो नहीं कवर कर पाएंगे चलती बारिश में, जितने हो सकते हैं देखते हैं। अंदर चलते हैं थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही है। कैफे है, एक्चुअल एंट्री वहां से है, वहां पे टिकट दिखाने हैं। देन अंदर ड्रैगन, सॉरी, नो प्रॉब्लम। आज जैसे कि अभी बारिश हो रही है, हमने उनसे बात करी कि यार देखो वो कह रहे हैं कि अंदर हाउस में जाने के लिए आपको स्ट्रोलर से बाहर निकालना पड़ेगा बच्चे को, और अभी बारिश हो रही है और ये अभी पूरा पैक्ड है। तो हमने उन्हें कहा कि यार यहाँ पे अंदर से कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो हम देख सकें, स्ट्रोलर फ्रेंडली ऑफ कोर्स। सो उन्होंने एक बताया यहाँ से रैंप ऊपर जा रहा है और सामने दीवार में टनल्स हैं, सो उन टनल्स के थ्रू आप वहाँ तक जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। एंड बाय दैट टाइम होपफुली बारिश रुक जाए और हम त्रिशी को निकाल के आगे जा पाए। तो ये रहा टनल का रास्ता, वो है एंट्री। सो यहाँ पे ये पोस्टर लगा रखा था उस टाइम का कि अगर गैस अटैक हो तो आप कैसे बच सकते हैं। सो इस टनल में अभी भी ऐसा ही सेटअप करके रखा हुआ है, आगे बेड लगे हैं, साइड में उनकी ड्रेसेस वगैरह हैं जो उस टाइम पे वो पहनते थे। एंड यहाँ पे एक वो साउंड सिस्टम है जिसमें पूरा उस टाइम का जो अनाउंसमेंट होता रहता है वो चलता रहता है, जिसकी आवाज बहुत ही तेज थी, तो टनल में होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा गूंज रही थी। ये बेड वगैरह, हाँ ये बेड्स, वुमेन्स लैंड आर्मी। सो हम आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा आवाज बहुत तेज है और उन्होंने बोला कि बच्चों के बहुत तेज आवाज हो जाएगी। सो और यहाँ से थोड़ा बारिश रुक गई है तो हम सोच रहे हैं अंदर की तरफ जाएं। हाउस है इनका ये, जहाँ पे ऑब्वियसली हम स्ट्रोलर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन अब सोच रहे हैं त्रिशिका को उतार के गोदी में या फिर जैसे भी एटलीस्ट ये कुछ पार्ट तो कवर करें ही क्योंकि इतनी दूर आए हैं, और अगर ये भी ना करें तो फिर क्या ही फ़ायदा है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है नॉर्मन कीप, देन ये लेफ्ट साइड में ये है मेन हाउस जिसके अंदर अभी हम जाएंगे, एंड ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे है क्लॉक टावर। हम घुस रहे हैं इस हाउस के अंदर, ये रही एंट्रेंस।
something called guest tower rooms. अब चलते हैं अरब रूम में. यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो स्टेन्ड ग्लास विंडोज हैं इसमें क्रिस्टल वॉल लगाई गई है सो दैट जो सन की लाइट आए वहाँ से वो सीलिंग पे रिफ्लेक्ट करे. यहाँ पे जो सीलिंग्स है वो वुड से बनाई गई है जिसको गोल्ड लीफ में कवर्ड किया गया है. आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग है. एंड जो चिमनी पीस है वहाँ पे लेडी एंड लॉर्ड ब्यूट के आर्किटेक्ट का नेम एनग्रेव किया गया है एज अ मेमोरियल. अब चलते हैं बैंकेटिंग हॉल में जिसको कि बोलते हैं लार्जेस्ट रूम इन द कासल एंड कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट पार्ट है ऑफ द बिल्डिंग. सो अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट किया गया था इसको लगे थे 15 इयर्स कंप्लीट होने में. जो भी ये वॉल पे इतना डीप क्रेविंग किया गया सब कुछ जो डिज़ाइन मिला के इसको 15 ईयर्स लगे. एंड अभी की डेट में यहाँ पे वेडिंग वगैरह के लिए बुकिंग करते हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 पीपल. ऊपर नहीं जा सकते? चलते हैं कैसल के मेन डाइनिंग रूम में जो कि बहुत ही छोटा सा है. डाइनिंग रूम एंड लाइब्रेरी रूम के बीच में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे ये मेयर्स जो भी ओल्ड टाइम पे रहे थे उन सब की फोटोज थी एंड अच्छे अच्छे एंटीक से पीसेस रखे हुए थे. तो इतना ही दिखाया है इन्होंने. इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, ऑब्वियस सी बात है कि वही दिखाएंगे पूरा. चलो फिर आगे जितना वो पब्लिक के लिए खोल सकते हैं दिखा दिया. खूब तोप थी भाई के भाई तोप ये उसका असला. आगे की तरफ चलते हुए सो बाहर निकलते ही हाउस से थोड़ा सा पिकनिक एरिया था एंड सामने ही हमें ये दिखा था. ये शायद से वो ही है जिसमें पुराने जमाने में गला रख के कट करते थे. ये क्या है? Why problems? History, pains. Ladies walk. अगर हम टनल से आते तो यहाँ पे उसका एग्जिट पॉइंट था. अब चलते हैं ऊपर जो कैसल की वॉल है उस पर एक रूट टूर करने. सो लेटेस्ट अपडेट, हम लोग उस वाले पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी आज फिल्मिंग चल रही है. सो उसके चक्कर में इन्होंने पूरे बैरिकेड्स वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं. आपको दिख रहा होगा इधर से ये सारे ऊपर चल रही है फिल्म. ये रहा अपना डायनासोर. सो टूर के बाद अब हम आ गए हैं विजिटर सेंटर में. सो ये एक छोटा सा हमने बस रिकॉर्ड किया, उसके बाद हम ज़्यादा कर नहीं पाए वहाँ पे. सो वी होप आप लोगों को ये कार्डिफ कासल का टूर अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक शेयर एंड आपके जो भी व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा एंड चैनल के सपोर्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और एक खास बात, यहाँ पे कोई भी फोन सिग्नल नहीं आ रहा है तो हमारे दोनों के ही फोन आउट ऑफ सिग्नल. अभी हम आए हैं यहाँ पे 4500 दिल्ली रेस्टोरेंट करके है उसमें.